नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको कोरोना वायरस की अपडेट्स दिखाते आ रहा हूं। आज बताता हूं, दिल्ली में आ चुका है कोरोना वायरस। दिल्ली में पहला मामला देखने में आया है और ये शख्स इटली से घूम फिर कर वापस आया था, उनको संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय उन पर नजर रखे हुए है। एक और मामला तेलंगाना में आया है, वो शख्स दुबई से वापस आया था कुछ ही दिनों पहले। विदेश से आए गए नागरिकों को मानसेर सेंटर में रखा गया है, अलग से उनको एक अलग पृथक केंद्र बनाया जाता है जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बाकी लोगों से अलग करके रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, बाद में उनके टेस्ट होते हैं। अब देखना होगा, जब दिल्ली आ चुकी है कोरोना वायरस, इसके संक्रमण को रोकना पड़ेगा। भारत में अगर एक बार फैल गया तो इसे रोकने में बहुत परेशानी होगी। परेशानी इसलिए होगी कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। हाल ही में डायमंड प्रिंसेस क्रूज से भी 119 यात्रियों को लाया गया था, सभी भारतीय थे, उन्हें भी मानसेर सेंटर में रखा गया है, उनकी देखभाल की जा रही है, कुछ दिनों के लिए इन्हें यहाँ रखा जाएगा। आपको पहले भी अपडेट में बताया है कि 62 देशों में ये संक्रमण फैल चुका है कोरोना वायरस का, और हर रोज नए सैकड़ों मामले देखने में आ रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी एक एक मौतें हो चुकी है संक्रमण से कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि लोग अब हाथ मिलाने से भी डर रहे हैं, न गले मिलते हैं न एक दूसरे के करते हैं, और संक्रमण के डर से ऑल अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस दो सभी ने अपने अभिवादन करने का तरीका भी बदल दिया है, क्योंकि उन लोगों के अभिवादन के तरीके अलग होते हैं। कोरोना से सुधर गई है चीन की हवा, जाहिर है लोग एक दूसरे के यहाँ गए नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स बंद हो गए, तो इन सबों की वजह से वहाँ की हवा सुधर गई है, पोल्यूशन में कमी आ गई है। एक बात यह भी WHO ने अपने एक बुलेटिन में बताया है कि कोरोना वायरस का सोर्स जो है शायद चीन नहीं भी हो सकता है, पर यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। चीन के बाद सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण कोरिया में पाए गए हैं। दक्षिण कोरिया में ही सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ईरान में भी मरीजों की संख्या बहुत हो गई है, मरने वालों की संख्या भी काफी हो गई है। ईरान में लगभग 1000 लोग संक्रमित हैं और लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में इसकी संख्या 1200 संक्रमित लोगों की है और मरने वालों की संख्या 29 है। जापान में भी 1000 लोग बीमार पड़े पर मरने वालों की संख्या केवल 12 है। फ्रांस में 100 लोग संक्रमित हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा चीन में लगभग 80,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं, मरने वालों की संख्या लगभग 2,900 पहुंच गई है। कोरोना की इस अपडेट में इतना ही, अगली अपडेट बहुत जल्द दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।